आपको ताजुब होगा, मैं कक्षा 1 से 4 तक गर्ल्स स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा। मैंने स्कूल में और कॉलेज में कभी गाना नहीं गाया। अच्छा। कभी नहीं? हाँ, ये मेरा गाने का क्रम शुरू हुआ नौकरी में आने के बाद। धगुला झवरा छण मणांद रम झम को थी जान, कै गांव की होली से बांध कन भल देख्या। जुबिन नौटियाल ने इसको वापस से गाया, लेकिन वो गलत गा दिया। मैंने उससे कहा भी, मैं गाया यार, मुझसे उसके लिरिक्स पूछ लेता। बिल्कुल, है ना, मैं आजकल व्हाट्सएप में, हाँ, लिख के देता। फिर उसने कहा कि मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा, लिख के दे दीजिए। मैंने फिर लिख के दिया उसको व्हाट्सएप में, उसने फिर गलत गा दिया। ज्यादातर बच्चे मेरे गानों को गाते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये पिसे हुए आटे को बार बार पीसो मत, कुछ नया करो। गिरीश तिवारी गिरदा तो आंदोलन का गायक था, वो तो हमारी तरह इस तरह से मंचों में गाना पसंद भी नहीं करता था। वो तो सड़कों का गायक था और जन गायक जिसे बोलना चाहिए, वो तो आंदोलन हमेशा बीपीआई किए हुए आंदोलन का सिपाही था। गढ़वली न कुमाऊनी हूँ मैं, है ना, न भोला भाला हूँ, मुझको पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। तो ये आज के जो बच्चे हैं, ये उनकी मानसिकता पे, जो हमने आपको पहाड़ी नहीं बताना चाहिए, कटाक्ष की तरह एक कटाक्ष है। प्रणाम उत्तराखंड, मेरा नाम है काव्य। रेड एफएम पे हर सुबह मॉर्निंग नंबर 1 शो आप मेरे साथ में सुनते हैं 7 से लेकर 11 बजे तक। साथ के साथ कोशिश होती है कि उत्तराखंड से कुछ बेहतरीन लोगों से आपकी मुलाकात करवाई जाए, बातचीत करी जाए। जब भी मैं किसी को बुलाता हूँ, लंबे चौड़े इंट्रोडक्शंस देता हूँ, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत के साथ यहाँ पे हूँ कि इंट्रोडक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। आप जब इनको देखेंगे, आपके चेहरे अपने आप खिलेंगे। नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ इस वक्त, और या मैं ये कहूँ कि मैं उनके साथ यहाँ पे उनके घर पे। बहुत स्वागत आपका। जी, बड़ी इच्छा थी आपसे मुलाकात करने की, और तकरीबन 1 साल पहले रेड एफएम को हमने देहरादून में स्टार्ट किया, और 1 साल बाद आज मुलाकात हो रही है आपसे। ये तो मेरा भी सौभाग्य है। मैं आपने 1 साल में ही इस चैनल को, इस रेडियो एफएम को बहुत पॉपुलर कर दिया है, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई है जी। और आज मैं इस तरह से आपके सामने हूँ। अब आप पूछे कोई सरल सवाल। नहीं, तो इतना वक्त हो गया, मतलब मैं सबसे पहले शुरुआत वहां से करना चाहता हूं कि पहली दफे 1949 की आपकी पैदाइश है। हाँ जी। तब से लेके आप आई एम श्योर स्कूल में होंगे, तो वो पहली बार कब आपको लगा कि मुझे संगीत की तरफ जाना है? मतलब आज से मैं 70 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब आपको ताजुब होगा, मैं कक्षा 1 से 4 तक गर्ल्स स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा। और क्योंकि वहाँ मेरे भाई रहते थे, अजीत सिंह नेगी, जो म्यूजिक टीचर थे, ब्लाइंड थे, तो फिर मुझे भी वहीं डाल दिया गया। और 4 के बाद फिर टीचर, हमारी प्रिंसिपल ने घर चिट्ठी लिखी कि अब आपका लड़का बड़ा हो गया है, 4 पास कर लिया उसने, अब आप उससे किसी और दूसरे शिफ्ट करें। फिर मुझे वहाँ से शिफ्ट किया गया, लेकिन मैंने स्कूल में और कॉलेज में कभी गाना नहीं गाया। अच्छा। कभी नहीं? हाँ, ये मेरा गाने का क्रम शुरू हुआ नौकरी में आने के बाद। ओहो। हाँ, तो उसके बाद मैं 71-72 में मैं सर्विस में आया, नौकरी की मैंने यहाँ पे सूचना विभाग में जी। उस समय एक रेडियो क्लर्क हुआ करते थे यहाँ पे, तो उसमें मैं नौकरी कर रहा था। और उसके बाद जो मैंने पहला गाना लिखा वो यहीं देहरादून में चोहड़पुर कहते हैं, जिसे विकास नगर कहते हैं आजकल, तो वहाँ पे एक लेमन हॉस्पिटल है आँखों का जी। मैं वहाँ अपने पिताजी को लाया था आँखों के ऑपरेशन के लिए, और वो थोड़ा आर्थिक तंगी थी घर में जी, तो वहाँ पे मिशनरी हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे फ्री में इलाज हो जाता था। तो मैं अपने पिताजी को लेके आया और यहाँ उनके आँखों का ऑपरेशन कराया, और वो अंदर वार्ड में होते थे, मैं बाहर बरामदे में रहता था। तो वहीं बरामदे, बरसात का दिन था, बारिश हो रही थी, और वहीं बरामदे में कुछ भाव आए दिमाग में चले आए, और तो मैंने उन्हें कागज़ में लिपिबद्ध कर दिया। तो उसके बाद
जब घर वापस गए तो मैंने दोस्तों को सुनाया, भाई इधर सुनो, दो लाइन मैंने लिखा है, दो चार लाइन। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया गीत बन गया है जी, लिखा करो यार तुम। हाँ। बहुत बढ़िया लिख रहे हो, थोड़ा हौसला बढ़ा। हाँ। फिर मैंने गीत लिखने शुरू किए, फिर बड़ा प्रोत्साहन मिला। फिर 76 में केशवदास अनुरागी थे आकाशवाणी लखनऊ में जी, पैक्स प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक ग्रीन रूम में कोई प्रोग्राम था, मैं तबला बजाता था उन दिनों जी। तो उन्होंने कहा कि यार बुला तू अच्छा गाता है, तू रेडियो में क्यों नहीं गा रहा। मैंने कहा मुझे पता नहीं, आप बताए। कहने लगे रेडियो स्टेशन आ जा, मैं तुझे फॉर्म भरवाऊंगा जी, और तू यहाँ कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में आ। मैंने तेरी आवाज़ सुन ली है तो पास हो जाएगा। मैं फिर रेडियो स्टेशन गया, उन्होंने फॉर्म भरवाया केशवदास अनुरागी जी ने जी। अब नहीं रहे बेचारे वो जी, और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं रेडियो में कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में गीत गाने लग गया। तो अब जब गीत गाने लग गया, जब भी आता था फिर मैं और तेजी से गीत लिखने लग गया जी। और इस तरह से वो गीत यात्रा चलते चलते रेडियो, बाद में फिर नजीबाबाद स्टेशन खुल गया और फिर वहाँ हम लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया उत्तराखंड के लोगों जी, कि अब आप वहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। नजीबाबाद रेडियो स्टेशन से लगातार कई वर्षों तक जी। तो कैजुअल आर्टिस्ट के तौर पे शुरुआत हुई और आज लोगों के दिलों में परमानेंट बस गए हैं। प्यार नहीं, मैं इनकार नहीं कर सकता, लोगों का प्यार इसने मुझे बहुत मिला है जी। और उसी के दम पे मैं आज इस उम्र तक लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को इंटरटेन कर सकूं जी, लोगों को गाने सुना सकूं। वो मुझसे अपेक्षा करते हैं कि नेगी जी कुछ नया का आ रहा है, कैसा आ रहा है। पहला गीत नेगी जी आपको ध्यान है जो आपने रेडियो पे गाया था, कौन सा था कुछ? हाँ, रेडियो में जो मैंने गाया था वो धगुला झवरा छण मणांद रम झम को थीग जान, कै गांव की होली से बांध कन भल देख्यान, कै गांव की होली से बांध कन भल देख्यान, कै गांव की। ये गहनों का जिक्र है इसमें, जो हमारे कौथिक में औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं जी, और अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं, अलग अलग घाटियों से आती हैं, और फिर मेले में इकट्ठा होती हैं, तो उनके जो गहने हैं उनका जिक्र है इस सारे गीत में। लंबा गीत है ये। और ये आई थिंक उस वक्त का है जब कोई मॉल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, एक मेले ही होते थे जो साल में एक बार लगता था और गांव के लोग वहीं इकट्ठा होते थे। 76 की बात है, 76 में आपने लिख दिया था। और आप देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि 76 में आपने लिखा और 2018 में अभी जुबिन नौटियाल ने इसको वापस से गाया, लेकिन वो गलत गाया, गलत गा दिया, गलत गा दिया। मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा यार मुझसे उसके लिरिक्स पूछ लेता, बिल्कुल है ना, मैं आजकल व्हाट्सएप में, मैं व्हाट्सएप में लिख के देता। फिर उसने कहा कि मैं दोबारा रिकॉर्ड कराऊंगा, लिख के दे दीजिए। मैंने फिर लिख के दिया उसको व्हाट्सएप में, उसने फिर गलत गा दिया। अब जो समझते हैं भाषा को उनको लगता है यार ये क्या गा रहा है। तो और फिर वो उसमें फिर उसने उनको भी जोड़ दिया, वो दर्शन कुमार जी की बेटी जी जी, तो तुलसी कुमार को, तुलसी कुमार को जोड़ जी 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 जी। और मेरा गीत कहाँ रह गया, वो एक लाइन गाया उसने, बाकी हाँ वो हुक लाइन पे आ गया, बाकी वो थोड़ा राजस्थान मिक्स हो गया उसमें, हाँ कई चीज मिक्स कर दिया, लेकिन बहरहाल मुझे टोटल कोई इम्प्रेस नहीं किया। जैसे जुबिन को करना चाहिए, जुबिन से उम्मीद थी, उम्मीद थी बिल्कुल। तो आपके बड़े सारे गाने अभी जो नया यूथ आ रहा है, आपने कहा वो यूट्यूब पे आजकल डालते हैं और ये चीजें, तो कई लोग कहते हैं कि भाई पुराने गानों की अपनी खूबसूरती है, उसको वैसा ही रहने दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, नए बच्चे अगर पुराने गानों को रिक्रिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गाने नई जनता तक भी पहुँच रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कभी किसी बच्चे को मना नहीं किया, और ज़्यादातर बच्चे मेरे गानों को गाते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये पिसे हुए आटे को बार बार पीसो मत, कुछ नया करो। लेकिन आजकल बच्चों में मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको लग रहा है हम नया कुछ करेंगे तो पता नहीं चले ना चले, रिस्क लेने से घबरा रहे हैं, जबकि रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई आप मेहनत करिए, अच्छे लिरिक्स रखिए, अच्छा गाना बनाइए, अच्छी कंपोजिशन होगी और अच्छे ढंग से रिकॉर्ड होगा तो जरूर चलेगा। और ये मत सोचिए कि आज मैंने गा दिया और मैं आज ही हिट हो जाऊं, ऐसा भी नहीं है। समय लगता है लोगों को, उस आवाज को पहचानने में समय लगता है लोगों को, धीरे 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 करके, और फिर एक दिन लोग ढूंढते हैं कि यार वो गाय कहाँ है भाई उसको हम। ये सभी जगह है, आपके यहाँ से भी, जब आपके रेडियो से भी, जब एक दो बार आदमी सोचेगा, देखेगा, सुनेगा, बिल्कुल, तो दूसरे को भी सुनेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये है, इसको चलाओ यार, ये बहुत बढ़िया,
यहाँ से बढ़िया हवा बिल्कुल। तो यही गायक के साथ भी है, आप ये मत, लोग अपेक्षा करते हैं कि एक गाना रिकॉर्ड किया और डाला यार नहीं हुआ आया, अरे फिर कोशिश करो, जल्दी हार मान लेते हैं हाँ। क्यों नहीं हुआ इस हाँ। पे रिसर्च करो हाँ। लोग क्या चाहते हैं इस पे रिसर्च करो हाँ। लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं उस पे रिसर्च करो और फिर बनाओ जी, फिर डालो उसमें, क्यों नहीं होगा। और कलाकारों का तो मेरे ख्याल से काम ही यही है ना कि देखिए अगर समोसे की दुकान पे आलू का समोसा बिक रहा है तो आप भी समोसा मत बेचो, आप आलू के चिप्स बनाओ ना, चिप्स बनाओ ना। कलाकार का काम ही तो है कि उसी चीज से कलाकारी करना, तो आप कह रहे ना कि आटे को बार बार आटा ही पीस रहे हो ना। आप लोग आज के युग में क्या अच्छा है, आज की बातें बेहतर है, आज की बातें कहो ना नए लोग, 45 साल बाद कोई आज को भी जान पाए, आज को भी जाने, नहीं तो 45 साल बाद 90 साल को, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं। तो अब मैं बच्चों से ये कहता हूँ यार तुम आज के गीत लिखो ना, मैंने तो उस जमाने के लिख दिए जो मेरा समय था, आप आज के गीत लिखिए, आज क्या है, आज बच्चे क्या चाहते हैं, महिलाएं किस स्थिति में हैं, है ना, बेटी बारे हमारे किस उसमें है, वो कहाँ पहुंची हैं, उनको इस विकास का कितना लाभ मिला है, कितना नहीं मिला है, आप आज के दौर पे लिखिएगा। तो अब देखिए धीरे धीरे करेंगे बच्चे समझ में आएगी। तो क्या आप इसका भी एक वजह मानते हैं कि उत्तराखंड का संगीत शायद उस हिसाब से आगे उतना नहीं बढ़ पाया जितना असम का बढ़ गया भूपेन हजारिका जी ने जो किया, या बंगाल का बढ़ गया, या राजस्थान से जो संगीत आया, तो उस लिहाज से आप क्या समझते हैं कि उत्तराखंड कहीं थोड़ा पीछे रह गया? हाँ एक तो हम लोगों अभी तो 18-19 साल तो हुए हैं कोलम को उत्तर प्रदेश से अलग हुए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं थे लोग अपनी हाँ। बात को बाहर पहुंचाने में, रेडियो में, दूरदर्शन में, इस जैसे कि दूसरे प्रांतों थे, दो बड़े प्रांत हैं जिनका हाँ। आपने नाम लिया, और वहाँ बहुत पहले से कलाकार कलाकारी करते आ रहे हैं। अभी हमारे उसमें शुरुआत तो मोनोप्रेति ने खान ने किया मंचों में, मैं तो जो मानता था शुरू में कि हमारे गीत जो है वो झुंड में ही लगते हैं, हमारे लोकगीत यही है हाँ। है ना, मैं ये मान के चलता था, लेकिन जब मैंने पहली बार बहुत छोटी उम्र में मोनोप्रेति और नईमा खान को मंच में काम करते हुए देखा, मंच में नाचते हुए और गाते हुए देखा, है ना, लाली हो सिया हाँ। बेडुबा को बारमासा, है ना, यो बाटो का जाने होलो धुरा धुरा देवी का मंदिर, इस किस्म के वो गीत गाते थे, और तब मुझे लगा यार इस तरह भी लोग गीत गाए जा सकते हैं अकेले में दो आदमियों के जरिए। ये तो मैंने तो जिंदगी भर में वही झुंडी के झुंडे हाँ। के जैसे झोड़ा होते हैं गांव हाँ, में लगते हैं हाँ। वैसे हमारे यहाँ थड़े चौंपले गीत लगते थे, वो झुंड में औरतें और मर्द जो तो गाते थे, लेकिन वो रूप मैंने बचपन में जब उसको देखा मोहनोप्रेति नईमा खान को शुरुआत किया जी। तो अपने दिनों में दोस्ती किन से थी, कौन से कलाकार थे, क्योंकि कलाकार का मन तो कलाकार के साथ ही लगेगा, तो दोस्ती किन के साथ? मेरी दोस्ती कलाकारों के साथ नहीं थी। अच्छा हाँ, और मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे हाँ। हैं बल्कि अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इस लाइन के नहीं थे, उनकी दूसरी लाइन थी। अच्छा। और वो अपना कैरियर उनका दूसरा कैरियर। और कुमाऊं की तरफ जैसे हमारे गिरीश तिवारी और ये लोग, तो उन लोगों का म्यूजिक किस तरह से देखते थे आप, कैसा लगता था? गिरीश तिवारी गिरदा तो आंदोलन का गायक था, वो तो हमारी तरह इस तरह से मंचों में गाना पसंद भी नहीं करता था, वो तो सड़कों का गायक था और जन गायक जिसे बोलना चाहिए, वो तो आंदोलन हमेशा बीपी हाई किए हुए आंदोलन हाँ। का सिपाही था हाँ। उसने आंदोलन के गीत गाए और उसको मजा आता था उसको सड़कों पे गाते हुए देखना और उसके पीछे भी लोगों का हिजूम चलते हुए देखना। मैं भी कई बार उनके साथ शामिल हुआ हूँ, उनके साथ मैंने भी सड़कों पे गाए हैं, लेकिन हम लोग मंचों पे गाते थे, रेडियो में गाते थे और कैसेट कंपनियों के स्टूडियो में गाते थे, हमारा थोड़ा इस तरफ रुझान था, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, वो सड़कों पे थे, आम आदमी का गायक था जी। जब आपने कहा कि शुरुआत नौकरी के तौर पे हुई, फिर गायकी में आ गए, विश्व भर में अलग अलग जगहों पे परफॉर्म किया आपने, कहाँ जाके सबसे मजा आया कि जहाँ लगा कि अरे ये तो बड़ा कमाल हो गया? नहीं, मजा तो अपने यहाँ आता है क्यों, इसलिए कि हमारे यहाँ लोग हमारे भाषा को समझते हैं जी, और 100% समझते हैं हाँ। बाहर जाते हैं लेकिन वो जो हैं वो 60-70% समझते हैं कुछ शब्द उनको, क्योंकि वो नए बच्चे हैं हाँ। नए युग के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे गाने में, मंच के कार्यक्रम देने में, यहाँ पे जो आनंद है अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में, अपने समाज के बीच में हाँ। और उसमें अपने समाज में हम दिल्ली को भी गिनते हैं जी।
क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ये भगतधर सिंह जी बोलते थे कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर जो है वो दिल्ली है क्योंकि आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन पहाड़ियों की कहीं नहीं है, 30-35 लोग वहाँ रह रहे हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन कहीं नहीं, तो कहते हैं कि वो तो हम वहाँ भी प्रोग्राम देते हैं जी, और अन्य शहरों में जहाँ जहाँ पहाड़ के लोग हैं वहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम देने में एक तो यहाँ मजा आता है, दिल्ली में मजा आता है, वहाँ लोग सोचते हैं, और जहाँ जहाँ भी हमारे उत्तराखंडी लोग हैं उनके बीच में जी। कुछ वक्त पहले आपका एक बड़ा कमाल का गाना है, और हम तो अक्सर हमारे ऑफिस में कई बार मजाक में भी कह देते हैं कि अरे तुम देहरादून वाले हो, तुम पहाड़ वाले नहीं। सो आपने और कविलाश ने वो साथ में वो गाना, वो आइडिया किसका था कि ऐसा गाना बनाया जाए? अब आइडिया जब मैंने लिखा तो आइडिया नहीं शुरू से मेरा ही होगा जी, है ना। तो वो गाना था कि गढ़वली न कुमाऊनी हूँ मैं, है ना, न भोला भाला हूँ, मुझको पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। तो ये आज के जो बच्चे हैं ये उनकी मानसिकता पे, जो हमने आपको पहाड़ी नहीं बताना चाहते, कटाक्ष की तरह एक कटाक्ष है, और वो अभी पूरी तरह यहाँ के भी नहीं हुए, क्योंकि उनकी भाषा वगैरह वो सब मिली जुली हो गई है, जिनको कटमाली बोलते हैं, यहाँ बहुत से लोग हैं जो अभी न तो पूरी तरह से यहाँ के हो गए, न वो पूरी तरह से वहाँ पहाड़ के रह गए, तो वो बीच के रह गए हैं, तो वो अपने आप को पहाड़ी बोलने में इंसल्टिंग फील करते हैं कि नहीं जी मैं तो देहरादून का हूँ। जैसे कुमाऊं से कोई गए तो वो पहले नैनीताल बोलेंगे, नैनीताल का रहने वाला हूँ, या हल्द्वानी बोलेंगे, या हल्द्वानी बोलेंगे, गाँव का नाम नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं देते, है ना। और यहाँ भी जो है गांव का नाम जिक्र नहीं करेगा, पहले वो बड़े शहरों के नाम लेगा, देहरादून से वहां से मुझे मिला, उसे लगता शायद ऐसा बोल के मुझे सम्मान मिलेगा, है ना। लेकिन जितनी बार वो देहरादून का नाम लेता, अपने गांव का नाम लेता, तो गांव ही पॉपुलर हो जाता है। तो इसलिए एक व्यंग था कि भाई तुम्हें को हम पहाड़ के लोग हैं, जैसे कश्मीर के लोग हैं उनको अच्छा लगता कश्मीर बोलने में, दूसरे प्रांतों के लोग हैं, राजस्थानी है, हरियाणा के हैं, तो वो बड़े फख्र से बोलते हैं, साउथ इंडियंस हैं, फख्र से बोलते हैं कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, तो बोलना चाहिए। मिते नी रोलो म्यारा भूलो तुम दगिड़ी ये गीत राला, मिते नी रोलो म्यारा भूलो तुम दगिड़ी ये गीत राला।